हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिर से आप लोगों के लिए ये वीडियो दोबारा से रिक्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस बहुत लोगों की कमेंट मेरे पास आ रही थी कि हमारा जुपिटर का अकाउंट अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं कम्प्लीटली सारा प्रोसेस बता दूँ कि किस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज होने वाला है। ठीक है, इसके लिए पहले से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने मुझे दिया है। उस वीडियो को लेकर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उसका। उस वीडियो को देखकर काफ़ी लोगों के अकाउंट अनफ्रीज हो चुके थे, लेकिन कुछ लोगों के अकाउंट अभी भी अनफ्रीज नहीं हुए हैं और वो लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं। और कुछ लोग तो आकर बोलते हैं कि भाई हमारा अकाउंट आप भी अनफ्रीज करा दो। तो भाई अगर आपको मुझसे अकाउंट अनफ्रीज कराना है तो यार आप लोगों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। ठीक है, और साथ में आप लोग मुझे वहाँ पर DM करो, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ये मैं आप लोगों के लिए कन्फर्म वीडियो लेके आया हूँ जिसमें पूरा प्रोसेस आप लोगों को दोबारा से समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोगों को अपना जो जुपिटर का अकाउंट है उसको अनफ्रीज करना है गाइस। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को एक Gmail ID चाहिएगी साइबर कैफे की। ठीक है, मतलब जिनके पास आपको साइबर क्राइम वालों की जिनके पास आपको ईमेल करनी है, जो ID में आप लोगों को DM करोगे तो DM में दे दूंगा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में उसको नहीं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को DM ही करना होगा। और अगर आप लोगों को क्या मैसेज उनके पास भेजना है वो भी चाहिए तो वो भी आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर DM पर पूछ सकते हो, लेकिन फॉलो कर लेना तभी आप लोगों के पास DM जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन की स्लिप को ले लेना है, अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड ओरिजिनल वाला। ठीक है, साथ में आप लोगों को कोई भी अपना दुकान से रिलेटेड सर्टिफिकेट जैसे कि उद्यम होता है या GST वो ले लेनी है। ठीक है, तो अगर आप लोग का अकाउंट है, ठीक है, वो फ्रीज है और अभी तक वो अनफ्रीज नहीं हुआ है तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने पास रखना। उसके बाद क्या प्रोसेस है मैं आप लोगों को चलिए दोबारा से बता देता हूँ। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो कंटिन्यू करना है। ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करना है, देन जैसे आप लोग वो चीज़ कंटिन्यू फॉलो करोगे ना आप लोग आसानी से अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हो। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक Gmail ID होती है उनकी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली मुझसे Gmail ID चाहिए या फिर जो मैं लिख के आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो आपको लिख के वहाँ पर भेजना है वो भी आप लोगों को डायरेक्टली अपने पास चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और जाके मुझे DM में लिख दो कि आपको क्या क्या चाहिए तो मैं आपको डायरेक्टली भेज दूँगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस आप लोगों को करना है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर एक Email ID है उनकी, यहाँ पर Email ID का नाम है support@jupiter.money। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता भी दिए और अगर आप लोगों को मुझसे चाहिए तो जल्दी से DM कर देना। और जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है, आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर नीचे लिखना है, थैंक यू। उसके बाद आप लोगों को अपनी फाइल्स को अटैच कर देना है, जो कि मैंने आपको बताया था। आप लोगों को सबसे पहले अपना आधार कार्ड फ्रंट और बैक, पैन कार्ड और आप लोगों का जो लास्ट ट्रांजेक्शन स्लिप होगा जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, ठीक है, वो आप लोगों को कंपलसरी डालना, क्योंकि वो आप लोग डाल देते हो ना तो काफ़ी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद गाइस आप लोगों को 2 से 3 दिन लगेंगे उनकी मेल का रिटर्न आने में, और जैसे उनकी मेल आ जाएगी तो आप लोगों के पास उनका एक कॉल आएगा जिसके बाद वो आप लोगों को बताएंगे कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो चुका है। ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम उस वीडियो को बनाया था। ठीक है, तो मेरा अकाउंट इस तरीके से अनफ्रीज हो गया था, मैंने कस्टमर केयर को काफ़ी कॉल भी की थी, उसके बाद भी मेरा अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये टेक्निक यूज़ की, ठीक है, मतलब जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है सेम यही आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद लिखना है थैंक यू। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपनी फाइल्स अटैच करनी है जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है गाइस, जैसे आप लोग इसे करते हो ना तो आपका अकाउंट 2 से 3 दिन के अंदर ही अनफ्रीज हो जाएगा, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखो, और अगर आपके किसी फ्रेंड का अकाउंट भी ऐसे ही फ्रीज है तो उसको ये वीडियो जल्दी से शेयर करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है, और आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि ये ईमेल आप लोगों को अपनी पर्सनल ID से भेजनी है, Email ID से जो आपके अकाउंट में लिंक होगी। अदरवाइज अगर आप लोग दूसरे भेजते हो तो रिस्पॉन्स थोड़ा आप लोगों को लेट मिलने वाला है, फिर बाद में मत बोलना कि रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो आपको अपनी ओरिजिनल ID से ही भेजना है जो आपके अकाउंट में ऐड है। तो गाइस आई होप कि वीडियो आप लोगों को ये वाली समझ में आ गई है, और समझ में आ गई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए। और किसी भी बैंक में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को मिल रही है तो यार कमेंट बॉक्स किस लिए है यार, आप लोग उसको भर दो, जो भी आप लोग पूछोगे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो चलता हूँ फिलहाल दूसरी वीडियो के लिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर। तो गाइस
जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड यार मुझे ना इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।